नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है रेनो की नई ट्राइबर। अब रेनो ने पहले भी बहुत सारे कमाल किए हैं, क्विड के साथ, डस्टर के साथ बड़ी सुपरहिट गाड़ियां उन लोगों ने पेश करी हैं बाज़ार में। और आज इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाथ में एक और विनर है। ये गाड़ी भी हिंदुस्तान का जो मध्यम वर्ग है उसे लुभाने वाली है। अब इस गाड़ी की खासियतें क्या क्या है, तो जहाँ तक बात आती है गाड़ी की डिज़ाइन की, उसकी फ़ीचर्स की, उसके अंदर जो कंफर्ट है उसकी, और इसके अंदर जो मॉड्यूलर सीट्स हैं जहाँ पर आप अलग अलग तरीके से 100 से भी ज़्यादा तरीके से अंदर की सीटिंग पोजीशंस को चेंज कर सकते हो, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक बड़ा ही डिटेल्ड वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में किया है। उस वीडियो में आपको इस गाड़ी के अंदर जो भी विशेषताएँ हैं, जो भी फ़ीचर्स हैं, सब कुछ मिल जाएंगे। उस वक्त हमें ये गाड़ी चलाने के लिए नहीं मिली थी। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, एसी कैसा है, राइड क्वालिटी कैसी है, और 7 लोग बिठाने के बाद में क्या ये गाड़ी चढ़ाई है चढ़ पाएगी, क्या इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में नहीं बता पाए थे। फ्यूल एफिशिएंसी उसमें नहीं बता पाए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारे सवालों के जवाब दूंगा जिन सवालों के जवाब मैं पिछली बार नहीं दे पाया था। और इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और जो ड्राइविंग से संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करूंगा। बाकी सारे सवालों के जवाब के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश जो वीडियोज़ मैंने इस गाड़ी के डिटेल किए हैं वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए, या फिर आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब इस गाड़ी के ड्राइव फील के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग हैं फाइनली रेनो ट्राइबर के स्टीयरिंग व्हील के पीछे, और बात जब स्टीयरिंग व्हील की ही चल रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टीयरिंग व्हील में फील जो है बहुत कम है, बहुत लाइट है, बहुत ही इनर्ट है। डेड सेंटर पे ये स्टीयरिंग काफ़ी डेड लगता है, यहाँ पर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। तो स्टीयरिंग फील जो है उसके मामले में मेरे ख्याल से यहाँ पर वेट ज़्यादा हो सकता था, भार ज़्यादा हो सकता था और थोड़ा प्रिसिशन भी और हो सकता था। तो डायरेक्टली अगर आप रोड को फील करना चाहते हैं, बेंड्स पे चला रहे हैं, तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा फीलसम नहीं है, तो ये ज़रा एक छोटी कमी है यहाँ पर। उसके अलावा गाड़ी में कुछ मामूली बॉडी रोल भी है, क्योंकि ये एक फैमिली ओरिएंटेड कार है तो मामूली बॉडी रोल भी आपको मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ख़राब रास्तों के ऊपर काफ़ी अच्छे से निकलती है। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने 6 लोगों को बिठाया, जिसमें से जो 6% थे वो काफ़ी लंबे चौड़े थे, तो वो सबसे पीछे बैठे थे। और 6 लोगों के बैठने के बाद भी जब ये गाड़ी ख़राब रास्तों पर से जा रही थी, कुछ बड़े स्पीड बम्प्स पर से जा रही थी, तो ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी कहीं पर भी नीचे से अड़ जाएगी। तो सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा दबता नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर इसे फुली लोडेड भी चला रहे हैं तो ख़राब रास्तों पर ये गाड़ी बॉटम आउट नहीं होगी और इसका जो बेली है वो स्क्रेप नहीं होगा। ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फीडबैक नहीं है स्टीयरिंग से, लेकिन जो यहाँ पर इंजन है ये 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 72 PS का पीक पावर मिलता है यहाँ पे आपको, 6250 RPM पर और 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं डैटसन गो प्लस से तो वहाँ पर आपको 69 PS मिलता है। जो पावर है वहाँ पर ज़रा कम है, लेकिन टॉर्क वहाँ पर ज़्यादा है, 104 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वहाँ पर आपको मिलता है। और ये जो डिफरेंस है ये अगर आप डैटसन गो प्लस से इसे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर जो बॉटम एंड टॉर्क है ज़रा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ये इंजन 3 सिलेंडर इंजन जैसा नहीं लगता है, काफ़ी रिफाइंड है, अंदर किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस या नॉइज़ नहीं आती है। ओनली जब ये गाड़ी 3500-4000 RPM क्रॉस करती है तो बड़ी ही माइल्ड एक जो 3 सिलेंडर थ्रम है वो आपको सुनाई देगी, लेकिन बहुत रिफाइंड इंजन है। मेरा शुरू में इस इंजन से जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि काफ़ी अनरिफाइंड होगा, काफ़ी नॉइज़ी होगा, लेकिन कैबिन के अंदर इंजन की किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इस गाड़ी के NVH लेवल से भी, न सिर्फ इंजन की नॉइज़ बहुत कम है अंदर, लेकिन बाहरी किसी भी तरह की नॉइज़, आप एम्बियंट नॉइज़ की बात करें या फिर रोड नॉइज़ की बात करें, टायर नॉइज़ की बात करें, काफ़ी अच्छे से इंसुलेट किया गया है। ख़ास करके इस गाड़ी की कीमत को अगर आप देखेंगे तो इसका जो इंसुलेशन है बहुत अच्छा है। डैटसन गो प्लस के अंदर काफ़ी सारी नॉइज़ आती है बाहर से, इस गाड़ी में वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंसुलेटेड कैबिन आपको मिलेगा। इंजन का जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा है कि 2000 RPM के नीचे जो मूवमेंट है, जो एक्सेलरेशन है, वो बड़ा कम है। आप जब पैडल पर पैर रखते हैं तो रिस्पॉन्स इंजन से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा आपको 2000 RPM के नीचे। हालांकि गाड़ी आगे बढ़ेगी लेकिन जो प्रोग्रेस है वो बड़ी स्लो रहेगी। 2000 RPM के बाद में आपको रीजनेबल रिस्पॉन्स मिलेगा इंजन से, और 3500 RPM के बाद में आपको काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा ताकि आपको सफिशिएंट पावर और टॉर्क मिल सके। इंजन जनरली काफ़ी स्मूथ है और थोड़ा लीनियर होना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि 2000 और 3500 RPM के बीच में कहीं कहीं कुछ माइल्ड फ्लक्चुएशंस हैं इंजन की पावर डिलीवरी में, हल्के स्पाइक्स या फ्लैट स्पॉट्स आपको महसूस होंगे।
हमने इसका एक्सेलरेशन टेस्ट किया है गाड़ी का, और 0 to 100 किलोमीटर पर आर की जो इसकी स्प्रिंट है, जो इसका एक्सेलरेशन है, वो 16 to 17 सेकेंड्स का है, जो कि क्विक तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक ठाक है। और सिटी में या हाईवे पर आप चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इंजन रीजनेबली पावरफुल है। इस गाड़ी का हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी किया, जहाँ पे न सिर्फ इस गाड़ी को मैंने अकेले चलाया लेकिन 6 लोगों को बिठा करके भी मैंने इसे चढ़ाई पर चढ़ाया। और मेरा जो मानना है वो ये है कि इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है जिसका पावर ओनली 72 PS है, इसने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। काफ़ी स्टीप चढ़ाई के ऊपर जब ये गाड़ी चढ़ रही थी तो 3rd गियर में ये गाड़ी वो चढ़ाई ले पा रही थी। हालांकि एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी साफ तौर पे आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी गाड़ी चढ़ रही थी और मुझे 2nd गियर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस गाड़ी को फुली लोड कर देंगे तो AC चलने के बाद में ये गाड़ी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, ऐसा नहीं है। आप इसे पूरी तरह से लोड करने के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग बैठे थे उन लोगों का ये मानना था कि पीछे सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, उनको ख़राब रास्तों के ऊपर ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी उछल रही है। काफ़ी कंपोज थी गाड़ी, काफ़ी कंफर्टेबल थी, और ये लोग लोकल गोवन लोग थे, किसी भी तरह का कोई बायस नहीं था। लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उनका जो रिस्पॉन्स था, वो इस तरह इशारा करता है कि न सिर्फ यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा है लेकिन कम्फर्ट भी बहुत अच्छा है। तो कम्फर्ट और स्पेस दोनों ही लिहाज से ड्राइवर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप 6 या 7 लोगों को बिठा करके इस गाड़ी को चला सकते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे एक डीजल इंजन के टॉर्क से कंपेयर कर पाएं। वहाँ पर हायर गियर्स पे भी जब आप लो स्पीड पे चलते हैं तो आपको अच्छी टॉर्क मिलती है, आपको इस इंजन को ज़रा सा रेव करना होता है। लेकिन जो बड़ा सवाल यहाँ पर था वो ये था कि क्या ये गाड़ी 7 लोगों के बैठने के बाद चलेगी प्रॉपरली, क्या ये चढ़ाई चढ़ पाएगी। तो उसका सीधा जवाब ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस नहीं होगा, आपको लगेगा कि गाड़ी जो है ये स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे आप 7 लोगों को बिठा करके नहीं चला सकते। एक और ज़रूरी सवाल जिसका आंसर आप लोग जानना चाहते हैं वो है फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। और फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ARAI रेटेड 20 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन आपको उतनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। सिटी में मेरे ख्याल से आपको 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर मिलेगी, और ये भी वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन आप इसे कहाँ चला रहे हैं, कितना लोड है, कितने लोग बैठे हैं, और आपने क्या दोनों AC शुरू कर रखे हैं। AC की बात चल रही है तो मैं आपको AC के परफॉर्मेंस के बारे में भी बता दूँ, क्योंकि एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। यहाँ पर ट्विन AC है तो उसका परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है, और क्या ये छोटा इंजन जो है ये बड़े AC को ठीक से पावर कर पाता है। तो यहाँ पर जो लोग पीछे बैठे थे 3rd रो के अंदर, वो लोग भी ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, उनके ख्याल से पीछे वाली सीट्स भी काफ़ी अच्छे से कूल थी। तो AC जो है ये सफिशेंटली कूल करता है, लेकिन आज टेम्परेचर जो है गोवा में मेरे ख्याल से 30 to 32 degrees Celsius है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। और कभी कभी जब डायरेक्टली सनलाइट आपके हैंड्स पर पड़ती है, जब कैबिन में डायरेक्टली सनलाइट आती है, तब कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि AC की जो एफिशिएंसी थी वो प्रभावित हो रही थी। तो अगर आप इसे एक बड़े डीजल इंजन के पावरफुल AC से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी, इसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो कहने के बावजूद गाड़ी में जो लोग पीछे बैठे थे उन लोगों ने किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं करी, और आज का जो मौसम है उसके हिसाब से ये AC ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। बहुत ज़्यादा चिल नहीं किया है, मैं इसे काफ़ी वक्त से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कैबिन को ये चिल नहीं कर रहा है बहुत पावरफुली, लेकिन इस तरह के इंजन के लिए इसका परफॉर्मेंस रीजनेबल है। तो आपको एक गर्म दिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन इसे कैबिन को कूल करने में ज़रा वक्त ज़रूर लगेगा। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्रेंच कार्स अपनी राइड क्वालिटी के लिए हमेशा से ही जानी जाती है, और ये गाड़ी भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे राइड क्वालिटी के ऊपर रेनो ने काम किया है, और ये बात आपको तुरंत समझ में आएगी। आप चाहे 2 लोग बैठे हों, चाहे ये गाड़ी पूरी तरह से लोडेड हो, गाड़ी का कंपोजर जो है काफ़ी काबिले तारीफ है, और ख़ास करके इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड फील देती है आपको। एक फिल्मसी गाड़ी जैसी नहीं लगती है, जो कमज़ोर बनी हुई गाड़ियाँ होती है वैसी नहीं लगती है, मजबूत लगती है। और पूरी तरह से लोडेड होने के बाद में भी आपको ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बॉटम आउट हो रही है। तो राइड क्वालिटी जो है इस गाड़ी की काफ़ी काबिले तारीफ है, लेकिन हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप इसे डिसेंट नॉर्मल स्पीड पर चला रहे हैं तो ये गाड़ी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगी। थोड़ा बॉडी रोल है, लेकिन कंपोज है गाड़ी, वॉबली नहीं लगती है, अपनी लाइन पकड़ के चलती है। लेकिन अगर आप एंथुसियास्ट हैं और आपको ऐसा चाहिए कि गाड़ी कॉर्नर्स पर बहुत ज़्यादा फास्ट आप चलाएँ, तो उस तरह की ये गाड़ी नहीं है। रिवर्सिंग कैमरा आपको मिलता है, ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे डे नाइट मेरा जो है ये मैनुअल है। ORVMs जो है यहाँ से भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पीछे का दृश्य आपको बहुत साफ तौर पर दिखाई देगा। और ओवरऑल क्वालिटी जो है मटेरियल्स की, जैसा मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे गियरबॉक्स आपको 5-speed मैनुअल मिलता है। अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर EGR AMT की ऑप्शन आने वाली है। यहाँ पर अगर आप गियर्स की भी बात करें
तो गियर शिफ्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये गाड़ी सस्ती होने के बावजूद मुझे गियर शिफ्ट क्वालिटी जो है काफ़ी पसंद आया। काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग स्लिक गियर बॉक्स है और किसी तरह की रबरीनेस नहीं है, कुछ नॉचीनेस नहीं है और एक हल्के क्लच के साथ अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेगी। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है और ओवरऑल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से काम किया है उन्होंने यहाँ पे, जो अर्गोनॉमिक्स है बिल्कुल स्पॉट ऑन है। और अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं या हाईवे पर लॉन्ग डिस्टेंस भी चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस हल्के क्लच के साथ में, इस गियर बॉक्स के साथ में आपको काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। ओवरऑल एक इकोनॉमिकल पैकेज है तो इस गाड़ी से आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखें। लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी भी मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हो सकती थी क्योंकि आपको 2000 RPM के ऊपर ही ज़रा कुछ शव मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट वर्दी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे टॉर्क है। ओवरऑल इस गाड़ी की राइड क्वालिटी, इस गाड़ी का रिफाइनमेंट और अर्गोनॉमिक्स, जो क्वालिटी फील है ये बहुत इंप्रेसिव है। परफॉर्मेंस और हैंडलिंग मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल अगर आप पैकेज देखेंगे प्राइस के हिसाब से तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है रेनो ने। और ये गाड़ी मेरे ख्याल से मध्यम वर्गीय परिवार जो है, जिन लोगों को एक सस्ती फैमिली कार चाहिए, उन लोगों को बहुत रास आएगी। तो जनाब 5 लाख रुपए से लेकर के 6.5 लाख रुपए तक, यानी कि 5 लाख to 6.5 लाख रुपीज़ की कीमत के साथ में एक्स शोरूम, ये गाड़ी लाजवाब है। इसके अंदर जो स्पेस है, जो फीचर्स हैं, जिस तरह से ड्राइव करती है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इस तरह की कोई दूसरी गाड़ी बाज़ार में ढूंढना चाहते हैं तो शायद डैटसन गो प्लस कुछ इसके नज़दीक आएगी, वो ज़रा सस्ती भी है। उसकी प्राइस जो है 3.9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से शुरू होकर के 6 लाख रुपीज़ तक जाती है। जो टॉप एंड वेरियंट है वहाँ पर लगभग 50,000 रुपीज़ एक्स शोरूम का फ़र्क है, लेकिन मेरे ख्याल से जो 50,000 रुपीज़ है उसके बदले यहाँ पर आपको बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अंदर स्पेस का जो फील है, जो क्वालिटी है, जिस तरह का एक फील आना चाहिए एक फैमिली की गाड़ी में, वो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बेहतर है। और डैटसन गो प्लस के मुकाबले रेनो ट्राइबर जो है एक ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा पर्पस बिल्ट कार बन के सामने आती है। तो हम इस कंपैरिजन को पहले ही ज़रा खारिज कर दें क्योंकि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, जो इस गाड़ी के अंदर स्पेस है और इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, वो सारे डैटसन गो से ज़्यादा बेहतर हैं। ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगती है। अब ओवरऑल इस गाड़ी की खूबियाँ क्या है? खूबी है स्पेस, खूबी है प्राइस, फ्यूल एफिशिएंसी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फ्यूल एफिशिएंसी मेरे ख्याल से और ज़रा बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है और राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो सारी चीज़ें जो एक शको शुभा पैदा कर रही थी कि क्या ये गाड़ी लोड ले पाएगी, क्या ये गाड़ी 7 लोगों को बिठा करके ख़राब रास्तों पर चल पाएगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस गाड़ी ने आज साबित करी कि ये वाकई में एक ऐसी गाड़ी है जो एक बड़ी फैमिली को साथ में लेकर के चल सकती है। तो अगर आपको एक कम बजट में 7 सीटर कार चाहिए तो रेनो ट्राइबर ने एक अजूबा पेश किया है यहाँ पर, और मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप जाइए और इस गाड़ी का टेस्ट राइड लीजिए। ये गाड़ी एंथुसियास्ट के लिए नहीं है। अगर आपको गाड़ी तेज़ चलाना पसंद है, आप अगर एंथुसियास्ट हैं, आपको अपनी गाड़ी से बहुत अच्छी हैंडलिंग चाहिए या फिर आपको एड्रेनलिन रश चाहिए, तो आप इस गाड़ी की तरफ मत देखिए। लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए जो सस्ती भी हो और जिसे आप अपनी फैमिली को शहर में या शहर के बाहर लेकर के जाने के लिए यूज़ कर सकें, तो ये ट्राइबर जो है इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उत्पाद आपके सामने पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया। अगर मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया हूं तो आप कृपा करके वो सारे सवाल कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए मोटोराइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, हम वहाँ पर भी मौजूद हैं। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ़।